आप देख रहे हैं YouTube चैनल वोकल फार्मिंग। दोस्तों आज की वीडियो जो है मैं आपको उसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपके जो YouTube चैनल है वो लाजमी जो है वो ग्रो करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि आप लोग की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, आपके चैनल को ग्रो करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप लोग जो है वो मेहनत आप लोगों ने ही करनी है, लेकिन आपकी जो रहनुमाई है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर शाउट आउट जो है मैं दे दूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में जो शाउट आउट की वीडियो थी उसके अंदर जो कमेंट्स आए थे उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स को पिक किया है। कुछ कमेंट्स अगर मेरे से मिस हो रहे हैं तो आप लोग जो है इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं, भाई आपने कमेंट किया था और मैं आपका शाउट आउट नहीं दे सका, क्योंकि कई दफ़ा जो है कमेंट्स मुझसे मिस हो जाते हैं। तो आज का जो शाउट आउट, जो पहला शाउट आउट है वो जा रहा है जी टॉप गेमर ऑफिशियल को। वो कह रहे हैं जी प्लीज़ प्रमोट माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पर उनका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट शाउट आउट जो है वो जा रहा है जी कैक फॉर यू को। ये कह रहे हैं जी प्लीज़ प्रमोट माय चैनल प्लीज़। तो इनका भी यहाँ पर मैंने जो है लोगो डिस्प्ले कर दिया है, इनको आप लोगों ने लाजमी चेक करना है, इनके चैनल को इसको सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरह अगर आप लोग जो है मुझे शाउट आउट का कहेंगे तो मैं आपके चैनल को भी यहाँ पर शाउट आउट दूंगा। तो तमाम जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो हैं जो मेरा शाउट आउट होता है उसको लाजमी जाकर सब्सक्राइब किया करें। बहुत अच्छे चैनल्स हैं, मैं इनको विजिट कर लेता हूँ। सबसे पहले किसी भी कॉपीराइट जो चैनल है उसको मैं शाउट आउट नहीं देता। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चैनल है वो एनी ASMR, ये मुझे पता है कि कुछ चैनल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ साउंड क्वालिटीज़ या जो है रिलैक्सिंग वीडियोस जो है वो बनाते हैं, इसके इसका नाम जो है ASMR रखते हैं। इनका चैनल मैंने विजिट किया था, ये मुख्तलिफ चीज़ों को मैंने देखा खाकर, कोई ये जो है गर्ल हैं जो फीमेल हैं ये खाकर जो है कोई चीज़ों की वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करती हैं, तो आपने इनको लाजमी सपोर्ट करना है। इन्होंने मुझे कहा जी आमिर भाई नाइस वीडियो फॉर शाउट आउट, आप मेरे भी चैनल को शाउट आउट दे दें। तो मैंने जो है ये तीन चैनल जो है आज जो है पिक किए थे जो कि कॉपीराइटेड चैनल नहीं थे। अगर आप लोग भी मुझसे शाउट आउट लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपने जो है मुझे बता सकते हैं कि आपको शाउट आउट चाहिए। इसके अलावा आप मुझे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। वीडियो बनाने का तरीकाकार जो है मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो जो है वो यहाँ पर दी है, उसको आप लोग जो है देख सकते हैं। उस देख के मुझे आप व्हाट्सएप कर दें अपनी वीडियो, मैं आपको वीडियो के जरिए भी जो है शाउट आउट दे दूँगा। तो आज बात कर लेते हैं अब अपने टॉपिक की कि किस तरह आप लोग जो है वो जल्दी ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ये बहुत ही जो है एक मुश्किल कह सकते हैं लेकिन नामुमकिन बात नहीं है। आप लोगों ने जस्ट अपने थंबनेल को जो है वो बेहतर बनाना है। थंबनेल जो है सबसे ज़रूरी किरदार जो है वो अदा करता है आपके यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, कि सबसे पहले जो व्यूअर है वो आपका थंबनेल जो है वो देखता है। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है तो वो लाजमी उस पर क्लिक करता है। कंटेंट की बात बाद में आती है कि कंटेंट किस तरह का था, वो तो अगर क्लिक ही नहीं करेगा आपकी वीडियो पे तो उसको क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है। तो ज़्यादातर वीडियोस पे व्यूज़ आने की जो वजह है ना आने की, वो उनका थंबनेल ही होता है। और जब तक आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे आपके सब्सक्राइबर कभी भी नहीं बढ़ेंगे। ये जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम कहलाता है, यानी कि जैसे ही आपके चैनल पर व्यूज़ आना शुरू होते हैं तो सब्सक्राइबर्स भी गेन होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे नहीं होता कि आपके टोटल वीडियोस पर 1,00,000 व्यूज़ आ जाएं और कोई भी बंदा आपको सब्सक्राइब ना करे, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो व्यूअर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके कंटेंट की तरफ, आपके कंटेंट को क्लिक करे, उसको देखे और जैसे ही देखेगा वो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो इस तरह आपका चैनल बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो करेगा। हमने भी इसी के ऊपर जो है वर्क करके देखा है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस के जो पहले थंबनेल बनाए थे उनको चेंज किया है और उनको अट्रैक्टिव बना के जब दोबारा थंबनेल अपलोड किया तो उसके ऊपर व्यूज़ भी आना शुरू हो गए। तो इस तरह जो है आपकी वीडियोज़ जो हैं डेड हो जाती हैं, उनका जो थंबनेल नहीं सही होता। अगर आपकी कोई वीडियो है आप उसको स्टडी करें कि इसका थंबनेल जो है इसके मुताबिक है या नहीं है, या इसको आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो उसको बनाकर आप उसका थंबनेल चेंज करें
तो मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर भी व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो यही आज की जो है टिप थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। आपको आने वाली वीडियोस में मज़ीद जो है टिप्स देंगे, उसके अलावा शॉर्टकट्स भी देंगे, और अगर कोलैबोरेशन कोई करना चाहेगा तो उससे कोलैबोरेशन भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।